बाय LCR सर्किट। इसमें हमने पहले सबसे पहले ये देखा था, द पावर कंज्यूम बाय ओनली रेजिस्टर सर्किट। सर्किट में अगर खाली रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगी। उसका आंसर था ERMS इनटू IRMS। फिर हमने ये भी देखा, अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टर, या फिर प्योर कैपेसिटर वाला सर्किट है, तो उसमें आई थिंक जीरो पावर कंज्यूम हो रहता है, याद है? आज हम लोग ये करेंगे, नाउ विल मेक अ फॉर्मूला फॉर पावर कंज्यूम इन द LCR सर्किट। मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों कनेक्टेड रहेंगे, ऑल थ्री विल बी कनेक्टेड। इसकी भी मैंने फॉर्मूला शायद बता दी थी आपको, याद है? ERMS इनटू IRMS, साथ में एक और एक्स्ट्रा टर्म था कॉस वाई, कल मैंने बताया था। इसमें याद रखो, ये जो मैंने बताया था ERMS इनटू IRMS, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको बोलते हैं एपरेंट पावर, नोन एज एपरेंट पावर। ये जो कॉस फाइव है ना, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, राइट? लेकिन इस फॉर्मूला का शायद प्रूफ नहीं किया था, वी हैव नॉट प्रूव दिस फॉर्मूला। तो प्रूफ आज देख लेते हैं, लेट्स सी द प्रूफ टुडे। टेल मी वन थिंग, ये LCR सर्किट है, मतलब LC और R तीनों कनेक्टेड है, ठीक है? हमने वो फेजर डायग्राम देखा है LCR सर्किट का, याद है? फेजर डायग्राम अगर आप याद करो, तो जो ये फेजर डायग्राम था, LCR सर्किट था, उसमें ऐसा था कि करंट और EMF में से कोई भी एक लीड कर सकता है, कभी करंट लीड कर सकता है, कभी EMF भी लीड कर सकती है, ठीक है? भले आप चाहे तो वो फेजर डायग्राम ऑफ LCR सर्किट ओपन करके देख लो, उसमें करंट या EMF दोनों में से कोई एक लीड कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन कि XL बड़ा है कि XC बड़ा है। इफ XL इज ग्रेटर देन XC, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, सर्किट इज इंडक्टिव। अगर XC ग्रेटर देन XL है, सर्किट इज कैपेसिटिव। तो LCR सर्किट में क्या होता है, क्योंकि L और C दोनों प्रेजेंट है ना, आई और ई में से कोई भी एक लीड कर सकता है, कोई भी दूसरा लैग कर सकता है। तो हो सकता है सपोज करंट लीड कर रहा है, या मे बी ईएमएफ लीड कर रहा है, वी डोंट नो। तो एक काम करते हैं, सपोज मैंने ईएमएफ ये लिखा है, E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट मैंने लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? अब करंट लीड भी कर सकता है, सपोज करंट इज लीडिंग बाय फाई एंगल, प्लस फाई, लेकिन करंट लैग भी कर सकता है ना, इसलिए माइनस साइन भी। देखो प्लस माइनस दोनों डाल दिया है, प्लस माइनस मतलब करंट लीड भी कर सकता है अगर प्लस है, तो लैग भी कर सकता है, पीछे भी हो सकता है फेज में अगर माइनस है तो। लेकिन कितने एंगल से ये लीड या लैग कर रहा है, व्हाट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड ई, कितने एंगल से वो लीड कर रहा है? फाइव फाइव। अब बोलेंगे सर ये फाइव कहाँ से आ गया, आप जाके फेजर डायग्राम चेक करो LCR सर्किट का, LCR सर्किट का फेजर डायग्राम चेक करोगे, उसमें दिख रहा है फाई एंगल। फाई एंगल इज एंगल बिटवीन ई एंड आई। ये जो फाई एंगल था ना, आपने खुद मुझे जब हमने डिस्कस किया था LCR फेजर डायग्राम, फाई एंगल जो था ना, वो लेस देन 90 डिग्री था। मतलब जो करंट है वो 90 डिग्री से लीड नहीं कर सकता है, लेस देन 90 डिग्री था फाई एंगल। सो दीज टू इक्वेशंस आई कैन राइट फॉर EMF एंड करंट इन केस ऑफ सर्किट विच कंटेन एल सी आर ऑल द थ्री। तीनों है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगी, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सी, अब आपको ये याद होगी, कल हमने एक फॉर्मूला बनाई थी, द एवरेज पावर विच इज कंज्यूम्ड इन द वन साइकिल। एवरेज पावर की एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी, याद है ये फॉर्मूला? सो डायरेक्टली आई विल स्टार्ट दिस फॉर्मूला टुडे। आज मैं इस फॉर्मूला से डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा, जीरो से टी। ये जो डिनोमिनेटर में टी है, उसको यहाँ पे साइड में रखेंगे ऐसे। पी पी इज इंस्टेंटेनियस पावर, एक्चुअली कल हमने किया था ये। पी इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय ई इंटू आई, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंटू करंट, ई इंटू आई करके। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई इंटू आई, इट इज इंस्टेंटेनियस पावर इनटू डीटी। देख लो, तो 1/T इंटीग्रेशन 0 टू टी, ई और आई की वैल्यू डाल देंगे हम लोग, ई इतना है
आई की वैल्यू इतनी है, ईयर डाल दिया साथ में डीटी, ठीक है बात समझ में आ रही है? देखते जाओ क्या हो रहा है, ठीक है सर। वो ईएमएफ में भी प्लस माइनस फाइव दे सकते थे क्या उसको छोड़ के? हाँ ऐसे भी कर सकते, करंट को तुम साइन ओमेगा डी ले लो, सिर्फ करंट साइन ओमेगा डी, ईएमएफ में आपने लिख दिया प्लस माइनस फाइव, चलता है वो भी चलेगा। यस सर, कोई भी ईएमएफ और करंट में से कोई भी एक लीड कर रहा है, कोई भी दूसरा फिर लैग करेगा। लेकिन सर सर्किट तो फिक्स रहेगा ना, क्या फिक्स रहेगा? कि सर्किट इंडक्टिव रहेगा कि कैपेसिटिव, ऐसा फिक्स रहेगा ना? हाँ फिक्स रहेगा ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, इंडक्टिव है तो भी वो पॉसिबिलिटी मैंने ले ली, अगर कैपेसिटिव है तो वो भी पॉसिबिलिटी ले ली मैंने। अगर हाँ अगर इंडक्टिव है तो करंट लैग करेगा माइनस फाइव होगा, अगर कैपेसिटिव है तो करंट लीड करता है उसमें प्लस फाइव होगा, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी रखी है इसमें। अब देखो ई नॉट आई नॉट दोनों बाहर जाएंगे क्योंकि ई नॉट और आई नॉट कॉन्स्टेंट है, देयर आर पीक वैल्यूज, पीक वैल्यू उतनी ही रहती है, ठीक है। कभी जब एसी साइकिल आती है तो उसमें पीक जो है वो तो उतना ही रहता है, ई नॉट आई नॉट बाहर जाएगा, डिवाइडेड बाय टी, जीरो टू टी, इंटीग्रेशन में देखो क्या आएगा, एक आएगा साइन ओमेगा टी, और ध्यान से देखो ये भी टर्म है ना साइन ओमेगा डी प्लस माइनस फाइव, इस पे स्टूडेंट हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला लगाएंगे। आपको साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला मालूम होगी शायद, पता है साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पता है ये? और अगर बाय चांस एक बार बताओ, यहां पे मैंने साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला लिखी है, बाय चांस ए प्लस बी नहीं ए माइनस बी हो तो यहां पर भी बीच में माइनस आ जाएगा, राइट? ये देखो सो साइन ए प्लस माइनस बी की फॉर्मूला ये वाली है, इधर भी प्लस माइनस, तो देखो जैसे साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला है यहां पर भी वही लगेगी, इट्स लाइक साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ना, तो यहां पर फॉर्मूला में लगाऊंगा ऐसी वाली, देखो देखो इट्स लाइक साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, वो फॉर्मूला लगाई मैंने, और उसके बाद लास्ट में डी टी ऑल्सो मल्टीप्लाई, सिर्फ मैंने क्या किया ये साइन ओमेगा डी प्लस फाइव को ना एक्सपांड किया है ऐसा, इसके पीछे जो रीजन है मैंने यहाँ पे लिखा है, रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज रीजन बिहाइंड दिस, तो इसको एज ए रीजन लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो एज वी नो, समझाइए पहले आप यहां तक नोट कर लो क्योंकि अभी थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप्स है तो आराम से जाएंगे, घाई नहीं करनी है तो नोट कर लो। चलिए सर एक वो एक छोटा डाउट था सर, सर हम जब भी ये इंटीग्रेशन कोई भी कर देते हैं ना पूरा ये, तो वो लास्ट जो प्लस सी रहता है ना कांस्टेंट का, वो कभी कभी हम लोग नहीं डालते हैं, वो क्यों नहीं डालते सर? देखो अगर आपने यहाँ पे लिमिट्स लिखी है ना जीरो से टी, तो लास्ट में मैं लिमिट्स पुट करूंगा, अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, याद है? लिमिट्स डालते हैं ना तो फिर प्लस सी की जरूरत नहीं होती है, मतलब नहीं डालना होता है, अगर तुम लिमिट्स नहीं डाल रहे हो या अपर लिमिट लोअर लिमिट ये जो है ये नहीं लिख रहे हो तो फिर प्लस सी डालना कंपलसरी है। ओके सर, प्लस सी तब डालते हैं जब लिमिट्स नहीं होती है। यस सर, आकांक्षा इज आस्किंग के सर आप माइक से बोल रहे हो क्या? आकांक्षा नॉर्मली किसी भी मोबाइल फोन में जो माइक होता है उसी से बोलेंगे ना हम लोग, और कहाँ से बोलेंगे? नहीं सर, मतलब कल और आज आपका वॉइस थोड़ा अलग सुनाई दे रहा था इसीलिए पूछा। ये जो आज जो वॉइस सुनाई दे रहा है वो क्लियर है कि अनक्लियर है? क्लियर है, क्लियर है सर। क्लियर है तो मतलब अच्छी बात है, मैंने फोन चेंज किया, ये दूसरा फोन से कर रहा हूं मैं।
So everybody completed till this? Yes sir. No need to say sorry. कोई sorry की need नहीं है. कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं. ठीक है. Yeah. So I hope everybody finished till this. अब एक काम करो स्टूडेंट, थोड़ा अपने आप भी करो, सुनो भी. नेक्स्ट स्टेप आप खुद जाओ. नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ये देखो ये जो साइन ओमेगा डी है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई साइन ओमेगा डी इनसाइड. ये जो डी टी है ना, डी टी को भी मल्टीप्लाई करो. आपके दो अलग अलग टर्म्स बन जाएंगे. दोनों को अलग से इंटीग्रेशन दे दो. मल्टीप्लाई साइन ओमेगा डी इनसाइड, मल्टीप्लाई डी टी ऑल्सो इनसाइड. यू विल गेट टू टर्म्स. सेपरेट द इंटीग्रेशन बिटवीन देम. दो अलग अलग इंटीग्रेशन बना दो इसमें से. ठीक है, दो अलग टर्म्स बनाओ. मल्टीप्लाई साइन ओमेगा डी इनसाइड करो. कर सकते हो ना? यस सर. पावर की फॉर्मूला आएगी ई जीरो आई जीरो बाय टी. ऐसे बड़े ब्रैकेट्स में अगर दो अंदर इंटीग्रेशन लिखेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऐसा आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइ डी टी. बराबर. फिर उसके बाद आएगा प्लस एंड माइनस. फिर और एक इंटीग्रेशन जिसमें क्या आएगा, जिसमें आएगा साइन ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी. ऐसे दो टर्म्स आएंगे. बराबर. पुट देम इन द बिग ब्रैकेट्स. हाँ, बड़े ब्रैकेट्स के अंदर ही दोनों इंटीग्रेशन रखो. अब देखो, आई होप ये स्टेप हो गया आपका. आगे बढ़े. सी अब यहां पे देखो, यहां पे एक जो टर्म है ना कॉस फाइ दिख रहा है. कॉस फाइ जो टर्म है ना, इसको मैं मानूंगा कि ये कांस्टेंट है. क्यों कॉस फाइ कांस्टेंट है? क्योंकि जो फाइ एंगल है ना वो कांस्टेंट है. फाइव इज द एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट. ईएमएफ और करंट में जो फेज डिफरेंस है वो फाइ का है. ये कांस्टेंट रहती है गिवन सर्किट के लिए. कोई एक पर्टिकुलर एलसीआर सर्किट है ना, उसमें फाइ एंगल कांस्टेंट होती है. फाइ एंगल डू नॉट चेंज विद टाइम. तो फाइ एंगल कांस्टेंट मानी जाती है, इसलिए कॉस फाइ हो या भले साइन फाइ हो, इधर देखो साइन फाइ है, इधर साइन फाइ कॉस फाइ जो ये सब है ना, ये कांस्टेंट माने जाएंगे क्योंकि फाइ एंगल कांस्टेंट है. ठीक है, तो कॉस फाइ बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, ऐसे बाहर जाएगा. इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ ये बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी विथ अ लिमिट जीरो टू टी प्लस माइनस. प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं. यहां पर साइन फाइ बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि फाइ एंगल कांस्टेंट है. साइन फाइ बाहर आएगा जीरो टू टी तक लिमिट्स. अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी लाइक दिस. दिख रहा है? ठीक है. अब कुछ स्टूडेंट को ऐसे टेंशन आ रहा होगा कि सर अभी ये इंटीग्रेशन अभी भी सॉल्व करना बाकी है, दो दो इंटीग्रेशन है. देखो एग्री है आपको, यहाँ पे दो दो इंटीग्रेशन है, आई एग्री विथ यू. लेकिन ये दोनों इंटीग्रेशन जो आपको दिख रही है ना, ये आपने प्रीवियस डेरिवेशन में सॉल्व कर चुके हो. तो प्रीवियस जो दो डेरिवेशन किए ना आपने, इससे पहले दो डेरिवेशन किए पावर की, उन दोनों डेरिवेशन में जो इंटीग्रेशन है ना, वो इंटीग्रेशन अगर आप देख लो तो आप इन दोनों के आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो. तो आई एम लीविंग अप टू यू. आप खुद जाके देखो ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, और जो सेकंड वाली इंटीग्रेशन है इसका आंसर क्या है. डायरेक्टली आपने पहली दो डेरिवेशंस में है ये. याद है किसी को? ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा डी डी टी. देख लो ये. यस सर. इसलिए मैंने कल आपको याद करने को बोला था. वो इसका आंसर टी बाय टू था शायद, राइट? हाँ सर. यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो, कोई नहीं बोलेगा क्यों लिखा है. डायरेक्ट डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्योंकि हमने पहले किया है एक डेरिवेशन में ये. इसका आंसर टी बाय टू आएगा. इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन प्लस माइनस साइन फाइव. नेक्स्ट इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा डी इंटू कॉस ओमेगा डी.
इसमें टू टू एडजस्ट करना होता है यार, टू टू एडजस्ट करेंगे, इसी का इंडिकेशन का आंसर जीरो आया था कल। देविका, आर्यन, परदेसी, दे आर ऑल गिविंग करेक्ट आंसर, जीरो आएगा ना, सेकेंड इंटीग्रेशन का आंसर जीरो आएगा, कल हमने किया है ये इंटीग्रेशन, तो देखो ऐसे आने वाला है। देखो नेक्स्ट स्टेप मैंने लिख दिया है, स्टेप इसमें स्क्रीन पे लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप, देख लो। सो देखो ये, क्योंकि ये जो सेकेंड वाली इंटीग्रेशन है इसका आंसर जीरो आता है, तो सेकेंड टर्म बिकम जीरो, सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगा ना। तो देखो क्या आ रहा है, ई जीरो आई जीरो बाय कैपिटल टी इंटू कॉस फाइव इंटू टी बाय टू, दिख रहा है, दिस टी टी गेट्स कैंसल्ड, टी टी कैंसल हो गया। अब ये बिल्कुल सिंपल है, अभी तो ई जीरो आई जीरो डिवाइड बाय टू कॉस फाइव, टू को आप अलग अलग से दे दो, टू को ऐसे लिखो रूट टू करके, ऐसे सी द स्टेप्स, हो गया, फिनिश हो गया। ई जीरो बाय रूट टू को ई आर एम एस बोलते हैं, आई जीरो बाय रूट टू इज आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड, यही कल बताई थी ना फॉर्मूला। यस सर, दिस कंप्लीट्स योर थर्ड एंड द लास्ट डेरिवेशन रिलेटेड टू पावर, देख लो। सर एक सवाल था, हाँ एक काम करो, तीन हमने रिजल्ट्स निकाली हैं, तीन डेरिवेशंस की हैं पावर में, तीनों डेरिवेशंस की जो आखिरी रिजल्ट्स है वो ध्यान में रखो। अगर रेजिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टिव, तो इट इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इज एवरेज पावर। अगर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर, सो इट इज जीरो, पावर जीरो कंज्यूम होता है। कल समझाया था मैंने कि इंडक्टर और कैपेसिटर एक्चुअली में पावर नहीं लेते हैं, लेकिन अगर तीनों कनेक्टेड है, एल सी आर ऑल थ्री आर देयर, इन दैट केस इट इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। एनीबडी, कॉस फाइव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन बी द नेम ऑफ कॉस फाइव? कॉस फाइव इज नोन एज पावर फैक्टर, कॉस फाइव इज नोन एज पावर फैक्टर। अभी कोई स्टूडेंट बोल रहा है थोड़ा नीचे लो, नीचे लो मतलब ये बोल रहे हो क्या, ये देखना है? हाँ सर बस, ठीक है ठीक सर। हमारे घर पे जो 220 वोल्ट्स आता है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है क्या? हाँ हाँ, वो आरएमएस वैल्यू है उस वोल्टेज का सर, मतलब पीक भी पीक उससे ऊपर रहेगा ना, रूट टू टाइम्स निकालना है तो 220 इंटू रूट टू कर दो, 220 इंटू सर। तो हम 220 इसलिए मानते हैं क्योंकि ज्यादातर जो मतलब इतना सारा ये साइकिल होने के बाद जो मीन आता है वो 220 आता है इसलिए। नहीं, मेन टू आरएमएस 220 है ना, हम लोग देखो एसी सर्किट्स में क्या होता है, हमेशा आरएमएस वैल्यू मेंशन की जाती है, कोई भी एसी सर्किट होता है ना उसमें करंट की या वोल्टेज की जो वैल्यू मेंशन होती है वो आरएमएस वैल्यू ही मेंशन की जाती है, कहीं पे भी वो रूल है, हम लोग आरएमएस वैल्यू ही बताते हैं किसी भी वोल्टेज का, क्योंकि आरएमएस वही वैल्यू है जो उतना ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जितना एसी करता है, ऐसा कुछ था डेफिनेशन आरएमएस का। तो आरएमएस करंट प्रोड्यूस सेम हीट एज प्रोड्यूस बाय एसी, तो कहीं पे भी आरएमएस मेंशन किया जाता है, आरएमएस इज टेकन एज अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसी। यस सर, थैंक यू सर। श्लोक अंधाले, माइक ऑन करो, श्लोक अंधाले, श्लोक अंधाले, माइक ऑन करो, श्लोक अंधाले, श्लोक अंधाले, माइक ऑन करो, महेश नागे, महेश नागे, माइक ऑन करो, महेश नागे, महेश नागे, माइक ऑन करो,
महेश नागे, प्रणिल गाड़ी, प्रणिल घाड़ी, माइक ऑन करो, प्रणिल घाड़ी। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? प्रणिल, हाँ कौन बोल रहा है? प्रणिल मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? वॉइस सुनाई दे रहा है मेरा? व्हाट इज, थोड़ा आंसर दो मुझे अभी, कुछ थोड़ा आंसर दो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर कंज्यूम्ड इन द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट? जो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, ऐसे सर्किट में व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर कंज्यूम्ड इन द वन साइकिल? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर इन द सर्किट व्हिच कंटेन प्योर रेजिस्टेंस? जल्दी बताओ। हेलो सर, हाँ बोलो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट विच कंटेन ओनली रेजिस्टेंस? छोड़ो। सोहम पाटकर, सोहम पाटकर, माइक ऑन करो। सोहम पाटकर, सोहम पाटकर, माइक ऑन करो। सोहम, सोहम पाटकर, माइक ऑन करो। ठीक, सुमित धमाने, सुमित धमाने, माइक ऑन करो। सुमित धमाने, माइक ऑन करो। सुमित धमाने, सुमित धमाने, वृषाल खोबड़ागरे, वृषाल खोबड़ागरे, माइक ऑन करो। वृषाल खोबड़ागरे, वृषाल खोबड़ागरे, माइक ऑन करो। वृषाल खोबड़ागरे, माइक ऑन करो। वृषाल खोबड़ागरे, बालाजी मोपनार, माइक ऑन कर। बालाजी मोपनार, yes, sir. कौन बोल रहे? बालाजी सर, बालाजी बोल। हाँ अच्छा, बालाजी स्क्रीन और वॉइस मेरा समझना है, सुनाई दे रहा है अच्छे से? स्क्रीन दिख रहा है, वॉइस? ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर कंज्यूम्ड इन द एलसीआर सर्किट? सर, ERMS इनटू IRMS इनटू cos phi। इसमें cos phi को क्या नाम दिया जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ cos phi? सर, पावर फैक्टर। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर कंज्यूम्ड इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट? प्योर इंडक्टर सर्किट में पावर कितना कंज्यूम होता है? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर कितना कंज्यूम होता है? फॉर्मूला फॉर पावर कंज्यूम्ड इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट? ठीक है, छोड़ो। आशुतोष गौर, आशुतोष गौर, माइक ऑन करो। यस सर, स्क्रीन और वॉइस क्लियर है मेरा? हाँ सर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर कंज्यूम्ड इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट? अगर कोई सर्किट है जिसमें खाली इंडक्टर लगा हुआ है, या सर कैपेसिटर लगा हुआ है? सर जीरो रहता है। जीरो रहता है, चलो ठीक है। मतलब आशुतोष गौर का ध्यान है लेक्चर में, चलो गुड। ऑफ करो बस स्टूडेंट, बस वन मिनट लास्ट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक मिनट कभी कभी चेक करना जरूरी होता है। गणेश चौहान, गणेश चौहान, माइक ऑन करो।
गणेश चौहान, गणेश चौहान माइक ऑन करो। हाँ सर। हाँ स्क्रीन और वॉइस क्लियर है मेरा? हाँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर कंज्यूम्ड इन द एलसीआर सर्किट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर कंज्यूम्ड इन द एलसीआर सर्किट? बोलो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। गणेश चौहान गूंगा हो गया, नहीं बोल रहा है कुछ भी, म्यूट पर्सन। ठीक है, ठीक है। गणेश सबत, गणेश सबत माइक ऑन कर। गणेश सबत, गणेश सबत माइक ऑन करो। गणेश सबत माइक ऑन कर। गणेश सबत, सृष्टि आपने माइक ऑफ करो अपना, क्यों ऑन कर रहे हो बीच बीच में? सृष्टि माइक ऑफ करो। ठीक है, तो इन सबके नाम अभी भेजता हूं मैं इनके पेरेंट्स के ऊपर कंप्लेंट। ठीक है, स्क्रीन पर देखो आपको कुछ महान लोगों के नाम दिख रहे हैं क्या? एवरीबॉडी दिख रहे हैं कुछ महान लोगों के नाम? इनके पेरेंट्स को कंप्लेंट जाएगी कि ये लेक्चर में नहीं सुन रहे हैं ध्यान से। मैं रियली सभी सोच रहा हूँ लेक्चर्स को, मैं तो मतलब फिजिक्स तो स्टॉप ही कर दूं, वही अच्छा रहेगा। आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे तो पढ़ाने का क्या मतलब है? पोर्शन कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ाने का, ठीक है? ध्यान नहीं दे रहे तो आई एम थिंकिंग टू स्टॉप द लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स एटलीस्ट। ठीक है, थोड़ा डिसाइड करूंगा इसके ऊपर अभी। ठीक है, 10 लोगों में से 8 लोग, सी ये सबका तो कंप्लेंट जाएगा, देखता हूँ। आई एम श्योर कुछ और भी होंगे, ठीक है, देखते हैं। मैं थोड़ा डिसाइड करूंगा अभी इसके ऊपर, आई एम थिंकिंग ओवर इट नाउ, इट्स ओके। नहीं, जो बाकी लोग नो बोल रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, आपका कोई गलती नहीं है। डोंट से सॉरी और डोंट से नो और समथिंग, आपका कुछ फॉल्ट नहीं है इसमें। okay. नहीं, एंड डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि आपका कुछ प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई तकलीफ ना हो इससे। विल सी, कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा अभी। ठीक है, जाने दो। सो पावर का हमने डेरिवेशन कर लिया, वी फिनिश द पावर कंज्यूम्ड इन द एलसीआर सर्किट, क्लियर? ठीक है, पावर का हो गया। पावर के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी आगे चल के करेंगे, लेकिन क्या है इस चैप्टर में थियरी भी काफी है। स्टिल थियरी में अभी है ना, तीन टॉपिक्स बाकी है थियरी में, 3 मेजर टॉपिक्स आर पेंडिंग। सो आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ थियरी का। आई एम प्लानिंग कि कल का जो पूरा लेक्चर है ना, आई एम प्लानिंग दिस, कल का पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे जाएगा। विल डू ओनली न्यूमेरिकल्स इन द टुमारो। आज न्यूमेरिकल्स नहीं करते, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस ये क्या रहता है वो देखेंगे। एक बात बताओ स्टूडेंट, वेव्स चैप्टर में, वेव्स का एक चैप्टर है वेव मोशन करके, वेव्स चैप्टर में आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा है क्या? रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है? हैव यू एवर डन दिस टॉपिक अर्लियर इन द वेव्स चैप्टर? यस और नो बताओ। हाँ सर, किया ना रेजोनेंस टॉपिक। ठीक है, हाँ। सो कोई मतलब वेव्स में बता सकते हैं, वेव्स के कॉन्सेप्ट से बताओ, मतलब रिलेटेड टू वेव्स पॉइंट ऑफ व्यू रेजोनेंस क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? यू कैन ओपन योर माइक एंड स्पीक। एनीबॉडी, रेजोनेंस क्या होता है वेव्स वाले टर्म्स में बताओ, चलेगा? आई थिंक ये स्टेशनरी वेव्स में आता है, थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ, शायद स्टेशनरी वेव्स में आता है ये। हिंट में दे रहा हूं, हिंट, कुछ स्टेशनरी वेव्स टॉपिक में आता है ये रेजोनेंस।
तो एनीबडी हु कैन टेल मी, मतलब एकदम प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए, थोड़ा मतलब खाली समझा दो मुझे रेजोनेंस का, एनीबडी? वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड. वापस बोलो. वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम. वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड. वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड. अच्छा ठीक है, मान लेते हैं वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड. कौन वाइब्रेट करता है वो तो बताओ, और कब वाइब्रेट करता है लार्ज एम्पलीट्यूड से, कब वाइब्रेट करता है और कौन वाइब्रेट करता है वो तो बताओ. ये तो इनकम्प्लीट हो गया ना, मतलब हु वाइब्रेट्स एंड व्हाई इट वाइब्रेट्स विथ लार्ज एम्पलीट्यूड. सर वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करने जैसा वाइब्रेशन अगर सप्लाई किया तो वो वाइब्रेट होने लगता. अच्छा हाँ हाँ ठीक है, चलो एक स्टूडेंट ने तो आंसर दिया कम से कम. स्टूडेंट अगर आपने रेजोनेंस वेव्स चैप्टर में पढ़ा है तो वेव्स में ऐसा पता जाता है कि, ध्यान से सुनो जिनको नहीं आता है मैं बता रहा हूँ सबके लिए, ध्यान से सुनना. एवरी सिस्टम और एवरी बॉडी, ओके कोई भी आप बॉडी ले लो या कोई भी सिस्टम ले लो, एवरी सिस्टम हैज सम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. हर सिस्टम की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन करने की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, व्हेनेवर द सिस्टम इज वाइब्रेटिंग बाय फोर्स्ड वाइब्रेशन, अगर कोई सिस्टम फोर्स्ड वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहा है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशन become equal to the natural frequency. When forced frequency, when become equal to the natural frequency, in that case, the body begins to vibrate with a large amplitude. This phenomena is known as resonance. ऐसा सुना है कभी? हाँ, तो resonance waves chapter में है. मैं अभी waves में तो नहीं जाऊँगा detail में. वहाँ पे है detail में resonance. काफी interesting. Forced frequency natural frequency तक approach होती है. I mean, उससे ज़्यादा नहीं होती है क्या? तब natural frequency हो जाती है. तब highest amplitude होता है उस time पे. Okay, okay. And the when forced frequency starts approaching the natural frequency, approach करना चालू कर देती है, तब amplitude बढ़ना भी चालू कर देता है. But amplitude become maximum जब दोनों equal हो जाते हैं, forced and natural frequency. इसके बहुत सारे रेजोनेंस, मतलब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल भी होंगे. वो ब्रिज रेजोनेंस में हिलने लगती है, ब्रिजेस वगैरह, ठीक है, और ब्रिज कोलैप्स हो जाती है कभी कभी, टूट जाती है ब्रिज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस आल्सो. तो रेजोनेंस वेव्स में भी है. आज हम लोग देखेंगे रेजोनेंस इन द LCR सर्किट. रेजोनेंस LCR सर्किट में भी होता है, रेजोनेंस इन LCR सर्किट. ठीक है, एक बात बताओ स्टूडेंट, मैं LCR सर्किट का डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पे. LCR सर्किट आपको मालूम है क्या होता है, राइट? ये होता है LCR सर्किट. ये देखो, ये LCR सर्किट है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है. ये जो करंट फ्लो हो रहा है और ये जो EMF है ना, करंट और EMF जो दोनों है ना, दोनों अल्टरनेटिंग नेचर के हैं. करंट एंड EMF बोथ आर अल्टरनेटिंग. जो भी चीज अल्टरनेटिंग होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है. देखो आपको मालूम है करंट अल्टरनेटिंग है, तो करंट की साइकिल्स आती है. वन साइकिल आपको पता है कैसे होती है करंट की, द नंबर ऑफ साइकिल्स विच कम्स इन वन सेकेंड, द नंबर ऑफ साइकिल अराइविंग पर सेकेंड, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना. तो करंट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, EMF की जो है वो भी एक फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो यहाँ पर करंट और EMF जो है ना यहाँ पे, उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है. करंट हैज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स अराइविंग पर सेकेंड, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो यहाँ पर करंट और EMF की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, अब देखो जब करंट यहाँ पे फ्लो होता है, द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय इंडक्टर, इंडक्टर जो ऑपोजिशन देता है वो ऑपोजिशन याद करो XL होती है, XL. कैपेसिटर जो ऑपोजिशन देता है, कैपेसिटर जो ऑपोजिशन देता है वो XC होती है. ठीक है, XL और XC. आपको याद होगा XL की एक फॉर्मूला है ओमेगा इंटू L, और XC की एक फॉर्मूला है 1/ω/C. याद है? इसमें ओमेगा को मैं 2π/F लिख सकता हूं, देख लो. सो कैन आई से XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ना.
एंड सिमिलरली आप यहां पर करो आपको आएगा xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मतलब xl और xc ऐसी चीजें हैं जो करंट और ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं. xl एंड xc आर द टू टर्म्स व्हिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसीज. ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है. ठीक है, हालांकि जो ये रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है. बट यू कैन सी क्लियरली xl एंड xc दीज आर द ऑपोजिशंस. xl xc भी एक टाइप के ऑपोजिशंस ही है. दोनों किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे. अब इमेजिन करो कि जो ये करंट है या जो ये ईएमएफ है ना, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को मैं स्टार्टिंग में काफी लो रखता हूँ. मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस करंट एंड ईएमएफ आई एम कीपिंग वेरी लो, और फिर ग्रेजुअली आई विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी पहले लो रखता हूँ एंड फिर स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आई विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. कैन यू टेल मी फ्रॉम दिस, अगर फ्रीक्वेंसी को काफी लो रखेंगे, इफ यू कीप द फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी लो, तो ये एक्सएल लो रहेगा कि हाई रहेगा? लो. एक्सएल विल बी लो. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी लो रहेगी, व्हेन फ्रीक्वेंसी लो, एक्सी क्या होगा? एक्सी हाई. तो स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में एक्सएल लो रहेगा और एक्सी काफी हाई रहेगा. मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है ना, सर्किट की फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब जो एसी आ रहा है, एसी करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो कैपेसिटर ज्यादा ऑपोजिशन देता है और इंडक्टर कम देता है. एटलीस्ट मैथमेटिकली समझ के लो, मैथमेटिकली तो समझाइए. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज करेंगे. तो एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, क्या लगता है, एक्सएल बढ़ने लगेगा? और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, XC कम होने लगेगा? हाँ सर. So, XL which was low, देखो XL suppose मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, XL low था देखो, and XC was high, ये देखो XC. मेरे जो दोनों हाथ हैं उसमें से एक XC है और एक XL है. अब as you increase the frequency, XL start increasing, ये देखो, and as you increase the frequency, XC starts decreasing. तो क्या लगता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा कि एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएंगे? एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल विल बिकम इक्वल टू व्हाट, एक्सी. ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएंगे. बराबर. अब XL and XC equal हो गए, मतलब the opposition which is given by inductor has become equal to the opposition given by capacitor. ठीक है, हाँ. एक काम करो स्टूडेंट, पहले जितना मैंने अभी लिखा है उसमें कुछ नोट करना है तो आप कर लो, कुछ अगर लगता है कि काम का है तो नोट कर लो. ये दोनों पॉइंट नोट करो पर्टिकुलरली, ये दोनों. ठीक है, उसके बाद आप ऐसे लिखो, as frequency is increased, as frequency increases, XL starts increasing and XC starts decreasing. ये सब लिख लो पहले, और उसके बाद ये लिख देना कि at one particular frequency, XL equal to XC. हो गया. तो एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्सएल एंड एक्सी बिकम इक्वल. ठीक है, सिंपल बात है. एक्सएल और एक्सी जो दोनों चीजें हैं ना, दीज आर लाइक अ रेजिस्टेंस. एक्सएल एंड एक्सी बोथ आर अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस. तो दोनों इक्वल हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे. ठीक है, याद रखो, लो फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल लो रहता है, लो फ्रीक्वेंसी पे एक्सी हाई रहता है. ठीक है,
लेकिन बाद में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, आगे बढ़े, हो गया ये. ठीक, सो आई एम गोइंग अहेड. सो देखो मैंने क्या बताया कि एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्सएल बिकम इक्वल टू एक्ससी. अब इससे क्या होता है वो ध्यान से देखो. सी राइट नाउ हम लोग सीरीज एलसीआर डिस्कस कर रहे हैं. सीरीज एलसीआर, सीरीज में आपको मालूम है करंट तो सेम ही फ्लो होता है सारे एलिमेंट्स में से. सीरीज में करंट सेम होता है. सो काम करेंगे, दोनों साइड में करंट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. आई इंटू एक्सएल इक्वल आई इंटू एक्ससी. इन दिस इक्वेशन दोनों साइड में आई से मल्टीप्लाई किया. एनीबडी थोड़ा सोच के देखो, ये आई है और ये एक्सएल मतलब एक रेजिस्टेंस है. आई इंटू रेजिस्टेंस क्या देगा? वोल्टेज अक्रॉस एक्सएल. हाँ, सो इसको मैं लिखता हूँ EL. EL मतलब वही है वोल्टेज अक्रॉस एक्सएल. और ये सिमिलरली ये हो गया EC. तो इज इट जब एक्सएल एंड एक्ससी इक्वल होते हैं, इन दैट केस EL और EC भी इक्वल है ना. सो मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर उस मूवमेंट पे क्या होगा? इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. ठीक है. So, अब आप बोलेंगे सर इसका फायदा क्या है, मतलब ये क्यों कर रहे हैं, एक्सएल एक्ससी इक्वल होने से क्या होगा? वो अभी आपको समझ में आएगा. आपको इम्पीडेंस याद है? इम्पीडेंस, इम्पीडेंस वाज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट. इम्पीडेंस, इम्पीडेंस एक टोटल रेजिस्टेंस है. इम्पीडेंस की फॉर्मूला याद है आपको? एक फॉर्मूला थी इम्पीडेंस की, इट्स इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ था. ये देख लो बराबर है क्या फॉर्मूला सर? XL greater than XC के केस में. हाँ, अगर X greater than XL है तो भी वो आप लिख सकते हो, XC minus XL भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. So this was the formula for impedance, right? अब एक बात, मैंने अभी क्या बताया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC पे क्या होगा, जब AC की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी उस पे क्या होगा, XL and XC will become equal, है ना. Suppose XL and XC have become equal, तो ये टर्म दिख रहा है क्या? ये टर्म कितना आएगा व्हेन एक्सएल एंड एक्ससी आर इक्वल? ये टर्म जीरो हो जाएगा ना. हाँ सर, दिस टर्म विल बिकम जीरो. सो अगर ये टर्म जीरो हो गया तो बाकी बचेगा क्या? खाली आर स्क्वायर बचेगा. आर स्क्वायर का रूट जेड इतना आएगा क्या? सो आपको पता जी इक्वल्स टू आर आएगा ना. तो आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया? एक्चुअली ये पता है Z की, जो Z की ना मिनिमम वैल्यू है, ये Z मिनिमम हो चुका है. कैसे? Z कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. Z में दो कंपोनेंट थे, एक थे R था और एक XL माइनस XC था. ये दो टर्म्स थे, दो टर्म्स में से एक टर्म जीरो हो चुका है, बाकी R बचा है. R बाकी जीरो कभी नहीं होगा. सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो गुम नहीं हो जाएगा ना. ये देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली, ये तो जीरो कभी नहीं होगी. ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी टर्म जीरो हो सकता है व्हेन एक्सएल बिकम इक्वल टू एक्ससी, बट रेजिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकती है. तो ये जेड की मिनिमम वैल्यू है. ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जब एक्सएल एंड एक्ससी बिकम इक्वल, उस मोमेंट पे कैन आई से इंपीडेंस ऑफ द सर्किट हैज बिकम मिनिमम ना. यस सर. ठीक है, इंपीडेंस, इंपीडेंस होता क्या है? इंपीडेंस इज एक्चुअली ओवरऑल ऑपोजिशन गिवन बाय द सर्किट टू द करंट. तो जो ओवरऑल ऑपोजिशन है, द टोटल ऑपोजिशन जो है वो मिनिमम हो चुकी है. आपको नहीं लगता कि अगर ऑपोजिशन मिनिमम हो चुकी है सर्किट की तो करंट उस मोमेंट पे मैक्सिमम हो जाएगा ना? देखो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे जो करंट फ्लो रहा है ना सर्किट में, दैट करंट इज गिवन बाय ई बाय जेड. याद है ये फॉर्मूला? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विल गिव यू द करंट. सो ये है EMF applied on the circuit, impedance equal to, आपको क्या लगता है अगर ये Z minimum हो गया है तो current उस moment पे क्या हो जाएगा? Maximum. Maximum. उस moment पे, उस moment पे current maximum हो जाता है circuit में. ठीक है, तो E divide by Z, Z जब minimum हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ Z minimum, तब current ऐसा हो जाएगा circuit में maximum. तो how much is a Z minimum? Z minimum तो R होता है ना, तो ये है वो मैक्सिमम करंट. तो आपने जब मैंने आपसे रेजोनेंस पूछा था, आपने बोला ना कि बॉडी वाइब्रेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, आपने ऐसा बोला था. तो मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो गया था? मैक्सिमम ना. कौन सी चीज मैक्सिमम हो गई थी जब आपने बताया था? एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम. यहां पर कौन मैक्सिमम हो गया है?
करंट हैज बिकम मैक्सिमम. ठीक है, ये कंडीशंस कोई इसी को रेजोनेंस कहते हैं एक्चुअली. जब एक्सएल हैज बिकम इक्वल टू एक्ससी. सी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आगे बताऊंगा कुछ चीजें, लेकिन मैं अभी रेजोनेंस थोड़ा समझा देता हूँ. जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाते हैं ना, उस मोमेंट पे द इम्पीडेंस बिकम मिनिमम, करंट बिकम मैक्सिमम. दिस फिनोमेना जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाते हैं उसी को रेजोनेंस कहते हैं. रेजोनेंस तब आता है जब एक्सएल और एक्ससी बिकम व्हाट, इक्वल. ठीक है, हाँ यहाँ पर वो गलत फहमी मत लेना, आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद एक्सएल जो है ना, एक्सएल इज अ फोर्स फ्रीक्वेंसी एंड एक्ससी इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी. फोर्स फ्रीक्वेंसी हैज बिकम इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं है. ऐसा मत सोचना कि ये एक फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और दूसरा फोर्स फ्रीक्वेंसी है, नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. लेकिन रेजोनेंस क्या होता है, जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाते हैं, जेड बिकम मिनिमम, करंट बिकम मैक्सिमम. This phenomena is known as resonance. इसको resonance कहते हैं, ठीक है? और ये कब होता है? इसे एक particular frequency पे होता है ना? अब मैं क्या करूँगा? ये जो particular frequency है, इस frequency को मैं find करूँगा. I will find out that particular frequency जिस पे XL और XC equal हो जाते हैं. वो frequency मैं find करूँगा, ठीक है? ठीक. एक काम करो, इसमें कुछ note करना है तो कर लो पहले. Note down this if you want. पहले ही नोट करो जल्दी. या कंप्लीटेड. हो गया. सो रेजोनेंस देखो, आहिस्ते आहिस्ते समझ में आ जाएगा कि ये क्या है रेजोनेंस. अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर एक बार कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आप इस रेजोनेंस को, आप जो वेव्स में आपने रेजोनेंस सीखा है ना, उससे कंपेयर भी कर पाओगे. आपको लगेगा हाँ दोनों रेजोनेंस एक जैसे ही है. फिलहाल ये चल रहा है अभी, ठीक है? तो एक्सएल और एक्ससी जो इक्वल होते हैं, वो मैंने कहा था एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों इक्वल होते हैं. तो वो फ्रीक्वेंसी अभी मुझे पहले फाइंड करनी है. वो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है? क्या करो, अब टेक एक्सएल एंड एक्ससी इक्वल, दोनों में इक्वल ले लेता हूँ. सपोज ये दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है? एक्सएल का नेम था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्ससी का नेम था कैपेसिटिव रिएक्टेंस. दोनों इक्वल है. एक्सएल को आप ऐसा लिखो और एक्ससी को आप ऐसा लिखो. देखो, अब डू वन थिंग, कीप द ओमेगा ऑन द वन साइड. इट विल बी ओमेगा इनटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन एलसी, बराबर है? नाउ टेक अ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लो. देख लो, ये वो ओमेगा है, इट इज दैट ओमेगा जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाते हैं. व्हेन एक्सएल बिकम इक्वल टू एक्ससी, वो कब होता है एक्सएल इक्वल एक्ससी? जब ओमेगा इतना होता है 1 अपॉन रूट एलसी. अब क्या करो, ओमेगा को लिखो 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन रूट एलसी. तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला आ गई, 2 पाई को खाली पास कर दो, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एलसी. देखो सिंपल तरीका है, देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. देखो ये पता है कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको मिली, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर आने पर एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे. जब आपकी करंट या जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ और करंट की जो फ्रीक्वेंसी है, जब वो फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी, तब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएंगे. ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इट इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब इस फ्रीक्वेंसी पे आप पहुंचोगे, जब करंट की फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी ये वाली, तब रेजोनेंस ऑकर होगा ना, तब एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे ना, जब आप इस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचोगे. सो दिस इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. लिख लो इसका नेम.
नोट डाउन दिस, ठीक है? या कंप्लीटेड हो गया? डोंट वरी, समझ में आ जाएगा. अभी भी रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है. गॉट दिस? अब आप ध्यान से देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है इट्स कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इस फ्रीक्वेंसी पर आने पर एक्सएल और एक्सी इक्वल होते हैं. ये जो फ्रीक्वेंसी है देखो, ये एल और सी की वैल्यू पर डिपेंड करती है ना. इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एल एंड सी, बराबर? ठीक है, देखो अभी मैं आपको है ना एक सिंपल तरीके से भी समझा देता हूँ रेजोनेंस क्या है एक्चुअली. देखो अभी सी, अब आपको देखो रेजोनेंस का मीनिंग समझ में आएगा. सी, सपोज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की अभी मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, 1/2 π√LC, बराबर? तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना देखो, एल और सी की वैल्यू पे डिपेंड करती है. देखो अब सपोज ये एक एलसीआर सर्किट है. इन दी एलसीआर सर्किट एल की वैल्यू और जो सी की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू फिक्स होती है. दूसरा एलसीआर सर्किट लोगे तो उसमें एल और सी अलग होगा, बट एक पर्टिकुलर एलसीआर सर्किट में एल और सी फिक्स्ड होता है. सपोज एल और सी फिक्स्ड है, ये एल और सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, इसको सॉल्व किया तो मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी ना. सपोज एग्जाम्पल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ है, एक एग्जाम्पल है ये. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये इस सर्किट के लिए फिक्स रहेगी. तो मैं अगर कोई दूसरा सर्किट लेके आओगे, दूसरे सर्किट में एल और सी अलग अलग होंगे, तो एल और सी अलग अलग होंगे, उसकी ये फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी. तो इस सर्किट के लिए ये फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी. दिस इज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस सर्किट, लेट्स से 100 हर्ट्ज़. इसको बोलेंगे कि ये जो इस सर्किट की है ना, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. दिस फ्रीक्वेंसी इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट. इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन सपोज इसको मैं बोलता हूँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी राइट नाउ. तो हर सर्किट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो उस सर्किट के एल और सी पे डिपेंड करती है. तुम दूसरा सर्किट लेके आओ, उसका एल और सी अलग होगा, एल और सी अलग होगा तो उसका ये फ्रीक्वेंसी भी अलग आएगा. लेकिन इस सर्किट के लिए 100 है, ठीक है? अब देखो यहां से तुम ऐसे करंट पास कर रहे हो और ये ईएमएफ अप्लाइड है. तो ये जो ईएमएफ अप्लाइड है और ये जो करंट अप्लाइड है, इस ईएमएफ और करंट की भी फ्रीक्वेंसी होती है. ईएमएफ और करंट की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है. सपोज वो फ्रीक्वेंसी 100 नहीं है फिलहाल, करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है. सो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना करंट की 50 हर्ट्ज है, तो इसको मैं बोलूंगा ये फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है. इट इज काइंड ऑफ अ फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी. इस सर्किट में आप करंट पास कर रहे हो, वो करंट की फ्रीक्वेंसी 50 है. दिस सर्किट इज रनिंग फोर्सफुली विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50. तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी 50 है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 है सर्किट की, ठीक है? अब एक काम करो, ये जो करंट की फ्रीक्वेंसी है कितनी बोली मैंने, 50 है. इस फ्रीक्वेंसी को सपोज हम लोग चेंज करते हैं. एज यू चेंज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज करते करते हम लोग करंट की फ्रीक्वेंसी 100 कर दी, ठीक है? सो करंट हम लोग 100 फ्रीक्वेंसी का पास कर रहे हैं. इज इट, कैन आई से नाउ फोर्स फ्रीक्वेंसी हैज बिकम इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ना. फोर्स फ्रीक्वेंसी जो ये करंट की फ्रीक्वेंसी है ये वाली, हैज बिकम इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी. इन दैट केस रेजोनेंस विल ऑकर. अब रेजोनेंस ऑकर होगा, ठीक है? अब रेजोनेंस में यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस में आपने बोला था कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम मैक्सिमम. यहाँ पर कोई वाइब्रेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये जो करंट है ना, करंट बिकम मैक्सिमम इन द सर्किट. तो जब करंट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाएगी, 100 हर्ट्ज इज इक्वल टू दिस वन, तब ये करंट ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा इस सर्किट में, करंट बढ़ने लगेगा एंड इम्पीडेंस बिकम मिनिमम, ठीक है? सो ऐसे याद रखो, हर सर्किट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो इतनी होती है, ठीक है? जब आपकी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो करंट की फ्रीक्वेंसी, वो जब इसकी इक्वल हो जाएगी, करंट की फ्रीक्वेंसी भी इतनी हो गई, इन दैट केस रेजोनेंस ऑकर. ड्यूरिंग रेजोनेंस हियर
एम्पलीट्यूड डज नॉट बिकम मैक्सिमम, हियर करंट बिकम मैक्सिमम. समझा ये पॉइंट? ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस ऑकर होता है. दिस इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. चलो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैंने आपको ये भी बताया कि EL और EC इक्वल हो जाते हैं. ये भी बोला था क्या? EL बिकम इक्वल टू EC ड्यूरिंग रेजोनेंस. ठीक है, Z कितना हो जाता है? Z बिकम R, Z बिकम मिनिमम व्हिच इज इक्वल टू R. चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. सी राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग LCR सर्किट, रेजोनेंस इन द LCR सर्किट. Do you remember in the LCR circuit, cos phi is given by this formula, R by Z. अब यहाँ पे आपने क्या बताया कि Z has become equal to R. Z और R तो equal हो गए हैं. तो Z is equal to R. तो ये दोनों cancel हो जाएंगे. Cos phi कितना आएगा? 1. Do you remember cos phi is known as power factor ना? तो during resonance power factor कितना हो जाता है? 1. देखो हर एक चीज का जो है ना फिजिकल मीनिंग भी है कि ऐसा वन क्यों हो जाता है, उसका फिजिकल मीनिंग भी है. वो हम लोग चाहिए तो आपको बाद में बता दूंगा मैं, पहले हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं, बाद में चाहिए तो उसका फिजिकल मीनिंग भी देख लेंगे. ठीक है, सो ड्यूरिंग रेजोनेंस पावर फैक्टर बिकम वन. ठीक है, कॉस फाइव हैज बिकम वन. डू रिमेम्बर कॉस ऑफ जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन होता है ना. फाइव एंगल कितना होगा फिर? जीरो. जीरो. फाइ एंगल अगर आपको याद है, फाइ इज द एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड द करंट. याद करो, एलसीआर सर्किट्स में फाइ इज द एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट. ईएमएफ अगर लीड करता है तो इट लीड्स बाय फाइ एंगल. फाइ एंगल जीरो आ रही है, इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब है ई और आई जो है अभी क्या हो गए? दे आर इन सेम फेस. ठीक है, ये सब चीजें होती हैं ओनली ड्यूरिंग द रेजोनेंस. जब रेजोनेंस ऑकर होता है तब ये चीजें होती हैं. ठीक है, इन सारी चीजों का ना फिजिकली मीनिंग भी हम लोग समझ सकते हैं. ठीक है, अभिषेक मिश्रा पूछ रहा है मैक्सिमम पावर होगा क्या? सी पावर फैक्टर वन हो गया, इसका मतलब है यस, पावर फैक्टर वन होने का मतलब होता है कि पावर कंज्यूम विल बी मैक्सिमम. देखो स्टूडेंट, आप क्या करो, आज पहले ये जो रीडिंग्स लिखी है ना मैंने, जो भी ऑब्जर्वेशंस लिखी है मैंने, ये मैथमेटिकली तो समझ में आ गई ना, मैथमेटिकली कैसे किया, आज ये नोट कर लो. बाद में आपको चाहिए तो मैं आपको इसको फिजिकल मीनिंग भी बता दूंगा कि ये सपोज पावर फैक्टर वन आया तो इसका फिजिकली मतलब क्या है, ऐसा क्यों आया वन. ठीक है, फाइव एंगल जीरो क्यों आया, वो सब बता दूंगा मीनिंग फिजिकली, पर पहले आज ये नोट कर लो जस्ट. ठीक है,